सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका एसके और आज हम बात कर रहे हैं एक नए वैकेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। ओके, तो ये DEA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, इसमें बेसिकली ये परमानेंट नहीं है, बस एक फिक्स बेस टेन्यूर बेस है, 2 साल के लिए है। ओके, तो इसमें जो जो कैंडिडेट अप्लीकेबल है वो भर सकते हैं। ओके, जैसे कि रिसेंट में जो पास किए हैं वो लोग को भरना चाहिए और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, मिल सकता है। तो बताते हैं कौन कौन सा वैकेंसी आया। तो ये IPR एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है की तरफ से आता है और इसका जो पोस्टिंग है वो गांधीनगर गुजरात में होगा और बहुत ही सुंदर जगह है। और पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो कभी कभी वैकेंसी आती है, जैसे कि मैं बात करूँ BTEC लोग को, तो अभी क्या होता है, हाई वाटर बोर्ड में 4 साल 3 साल के एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो वो लोग क्या किए, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए थे तो वो लोग भर सकते हो। इवन IPR में भी वैकेंसी आती है तो उस समय ये लोग को बेनिफिट मिलेंगे। ओके, तो जैसे कि देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट फॉर द ब्रांच डिसिप्लिन मेंशन बिलो के। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अगर जो चार चार पोस्ट इसमें बैचलर डिग्री एंड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं BCA जो लोग किए हैं, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये चीज़ें फिर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ये लोग भी भर सकते हैं, 10 सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ये 5 सीट है। ओके, और मैकेनिकल की बात करें तो 28 सीट है और फिजिक्स की 16। तो इसमें चाहिए बैचलर डिग्री इन फिजिक्स यानी साइंस, डिप्लोमा 3 साल की होनी चाहिए, ये एकदम फिक्स है। ओके, इसमें बहुत ही साफ से लिख दिया गया है कि आपको प्योरली यानी टेम्प्रोरी 2 साल के लिए रखा गया है और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हटा दिया जा सकता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस सही रहा तो 1 साल बढ़ाया भी जाएगा जैसा कि रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वो आपको 2 साल मानिए, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं, 2 साल लग ही जाएगा। ओके, तो अगर बात करें पैसे की तो 20,000 प्लस में HRA मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं HRA की बात करूँ, गांधीनगर तो एक मेट्रो सिटी में आता है, तो आपको वहाँ 24% के आसपास शायद मिल सकती है। अगर वो नहीं है तो आपको 16%, अभी तत्काल 20-18% चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है, आप अगर नए हैं फ्रेशर हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही। और प्लस में एक एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ही, और इसमें वैकेंसी आती है उस समय आपको काम आएंगे। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, एज 35 बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन इज स्लोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे मतलब इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर होगा। अगर 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 रिक्वायर्ड पड़ेगा तो रिटन टेस्ट होगा स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए, अगर मान लें कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर दिए तब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ओके, अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए, जनरल OBC के लिए 200 रुपये हम, बाकी सारे लोग SST फीमेल PWD EWS एक्स सर्विस मैन नील है। ओके, एक पेमेंट करना होगा, वो रास्ता के गेट पे बताया हुआ कैसे किया जाता है। अब तो सारे जो वैकेंसी आती है उसका गेटवे PSU या फिर कोई अदर का वो सेम ही होता है। ओके, एक चीज़ बोला गया यहाँ पर, मतलब ऑनली इंटरनेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट जो अगर वन प्रिस्क्राइब कैंडिडेट पोजिंग हायर क्वालिफिकेशन देन वन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रीटेड एज ओवर द क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल नॉट स्क्रीन। जैसे कि कोई डिप्लोमा किया हुआ है कोई एक, और उसके बाद BE BTEC MTEC इस तरह से किए हुए हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं कंसिडर किए। जैसे कि लोग BCA पोस्ट के लिए हैं, वो अगर वो MCA किए हैं तो वो नहीं मतलब लिया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ बताया गया है। और जो भी है ऑनलाइन डेट्स मतलब फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन अप्लीकेशन के थ्रू ही होगा। ओके, इसमें वही बताया गया कि आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, अप्लीकेशन ID नंबर, ये सब चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। ओके, फिर है कि फॉलोइंग सर्टिफिकेट ओनली टू बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ एज। देखिए, प्रूफ ऑफ एज के लिए डेट ऑफ बर्थ एज ए रिकॉर्ड इन बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल विथ डेट बर्थ इज मेंशन, तो ये सब लोग भर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ है कि ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट रिक्वायर यूनिवर्सिटी बोर्ड्स इंस्टीट्यूशन अप्लीकेंट हैविंग द क्वालिफिकेशन अदर कंट्री शैल बी सबमिट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट UGC और AIU। यहाँ पर दूसरे कंट्री की बात कर रहा है तो उसमें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा। ओके,
और लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब लोग तो छोड़ के तो आएंगे नहीं। ओके अगर आएंगे तो उनको NOC अगर इंटरव्यू सब होता है तो देना पड़ेगा, ये सब चीज़ बताया गया। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात, ठीक है, मोर डिटेल अपडेटेड ऑन। और यहाँ आपको कोई रिटन टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए TA पे नहीं करना पड़ेगा। ओके मतलब पे नहीं करेगी वो, नो टी एस एल पैट अटेंड इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। ओके सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कवर्ड अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस फॉर सेल्फ। तो वो 2 साल में आपको जो है ना मतलब सेल्फ हेल्प के भी मतलब मेडिकल फैसिलिटी दे दी जाएगी। ओके और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और कुछ खास है नहीं। ओके बाकी सब सारा चीज़ जो रहता है वो ही बताएंगे। ओके हाँ अप्लाई जो है आप पे HTTP इस पे जो IPR ये डॉक्यूमेंट है जॉब्स के लिए HTML इस पे जाके आप भर सकते हो। ओके और अप्लाई की बात करें तो 17 तारीख तक लास्ट डेट है 17/1/2022, ठीक है, टिल 5 PM। तो एक पासपोर्ट साइज और बाकी सारे जो चीज़ होते हैं वो इसमें लगेंगे। ओके सो आई होप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ठीक है, जो मतलब खासकर मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा यार कि जो लोग अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है, या फिर जो BTech वाले कैंडिडेट हैं तो उन्हें तो अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उन लोग को कभी कभी वैकेंसी आती है वो एक्सपीरियंस बेस पे आती है तो वहाँ पर काम कर जाता है। ओके और प्लस में भी और सी जगह जब आता है तो आपको काफ़ी, जैसे DAE का एक जगह आप काम किया हो, जब DAE के दूसरी जगह वैकेंसी आएगी तो आप काम कर सकते, चूँकि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो आप यहाँ पर उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ये है, आप कर सकते हैं। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो और देखिए वेबसाइट बहुत ही सुंदर से लिखा हुआ है, ऐसे मैं भेज दूंगा।